फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने चैनल पर के लिए फुल ब्लॉग का वीडियो लेके आई हूँ, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने एक कढ़ाई को कुकर को ले लिया। इसमें हमने दो बड़े कटोरी से चने को दाल को लिया। इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे और नमक डालेंगे। हमने इसमें पानी डाला हुआ है। ये दाल को 2 से 3 विजिल आने तक अच्छे से हम पका लेंगे। देखिए, हमारा दाल बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है। अब इसे हम एक दूसरे थाली में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ये दाल का जो पानी है, इसे मतलब इसको चाहे तो आप फ्राई भी कर सकते हैं। थोड़ा सा टमाटर, एक टमाटर प्याज, थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली और बेसिक मसाले से। यहाँ पे हमने कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इसमें फ्रेंड्स चिल्ली नहीं डाला जाता है। आप चाहे तो नॉर्मल डे में बना रहे हैं तो इसमें चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे हम बना रहे हैं तो अच्छे तरीके से पहले हम जीरा को पकने देंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए, हमने दाल को कलछी की हेल्प से अच्छे से मसल लिया था। फ्रेंड्स, अगर आप एक से दो विसल आने तक दाल को पका रहे हैं तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, बट हमने इसे ज़्यादा विसल आने तक पकाया है, जिससे कि हम कलछी की हेल्प से इसे मसल लेंगे। कलछी की हेल्प से देखिए हम अच्छे तरीके से दाल को भूनेंगे, जिससे कि बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। बहुत ही मतलब इसमें थोड़ा अलग टाइप का फ्लेवर आता है, अगर इस टाइप से आप बनाएंगे तो। देखिए, हमारा दाल बहुत ही अच्छे तरीके से पक, मतलब दाल वाला स्टफिंग बहुत ही अच्छे तरीके से पक गया है। इसे हमें तब तक पकाना है जब तक ये थोड़ा ड्राई ना हो जाए, तब तक इसे हमें पका लेना है, जिससे कि स्टफिंग अच्छा आसानी से मतलब हम फील कर सकें। देखिए, हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है। इसे हमने साइड में रख दिया है। अब हम मीठे के में यहाँ पर हलवा बना रहे हैं। यहाँ पर हम सूजी का हलवा बना रहे हैं फ्रेंड्स। तब इसमें हम 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे। ये होममेड घी है। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे बनाए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसकी वीडियो लेके आऊँगी। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा सूजी लिया है, एक कटोरी, छोटी कटोरी से एक कटोरी के लगभग हमने सूजी लिया है। सूजी को घी के साथ अच्छे तरीके से हम भून लेंगे, जब तक मतलब हल्के ब्राउन नहीं हो जाते हैं तब तक इन्हें हम भून लेना है। यहाँ पे मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। जिसे बिल्कुल भी जले नहीं। देखिए, हम चाशनी के लिए अभी मतलब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए हमने कुछ इस तरीके से चाशनी बनाया है। यहाँ पे मैंने 1.5 कटोरी के करीब, जिस कटोरी से हमने दाल लिया तो उसी कटोरी से हमने 1.5 कटोरी के करीब पानी ले लिया है। अब इसमें हम इस कलछी से 2 कलछी घी, वो शक्कर डाल देंगे। उसमें एक इलायची को खोल के डाल देंगे। यहाँ पे हमारा सूजी भी बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए बन गया है। अगर आपके पास भी टाइम ना हो तो आप ऐसे भी चाशनी बना के डाल सकते हैं, बेहद टेस्टी बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है। देखिए, हमने थोड़ी यहाँ पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है, जिससे कि हलवा मतलब बहुत ही अच्छे, थोड़े से ज़्यादा ड्राई नहीं होते हैं। पानी में हलवा पकेगा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट रहता है, इसलिए हमने यहाँ पे पानी की क्वांटिटी ज़्यादा रखी हुई है, मतलब चाशनी की क्वांटिटी। हमने यहाँ पे एक इलायची डाल दिया है।
देखिए यहाँ पे हमने गैस की फ्लेम को हाई किया हुआ है और इसे हम लगातार स्टर करते रहेंगे। फ्रेंड्स आप इस तरीके से एक बार ज़रूर से बना कर देखिए, बहुत ही अच्छा बनता है सूजी का हलवा। देखिए कैसे इसमें बबल्स आ रहे हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा सूजी पक गया है। इसे हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे, दूसरे मतलब। देखिए हमारे सूजी का हलवा बनकर तैयार है। अब चलिए हम खीर बनाते हैं। इसे खीर नहीं रसियाव बोला जाता है क्योंकि ये दूध में नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे हमने थोड़ा सा पानी रख दिया है, 2-2.5 कटोरी के करीब हमने पानी को बॉयल करने के लिए रख दिया है और हमने चावल को भिगो के रख दिया था आधे घंटे पहले ही। फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हो मुझे कमेंट्स में आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और आपके घर भी इस तरीके से मतलब अष्टमी के दिन ये भोग ऐसे बनाया जाता होगा। तो देखिए हम चावल को डालेंगे और इसे हम 2 से 3 मिनट मतलब 5 से 7 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे, जब तक मतलब हमें चावल पक ना जाए तब तक इसे हमें कुक करना है। इसे हम ढक के पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी कुक हो जाता है। और यहाँ पे हम गुड़ डाल रहे हैं फ्रेंड्स, ये मतलब जो भोग वाला बनाया जाता है ये इसे रसियाव बोला जाता है हमारे यहाँ, तो इसे गुड़ में ही बनाया जाता है। यहाँ पे हमने मतलब जितने इसमें मतलब क्वांटिटी है उसके हिसाब से मतलब कितना गुड़ चाहिए उस हिसाब से हमने इसमें गुड़ डाल दिया है। देखिए हम गुड़ के साथ भी बहुत ही अच्छे तरीके से चावल को पकाएंगे। देखिए गुड़ बहुत ही अच्छे तरीके से मेल्ट हो गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमने दूध में मतलब ये वाला जो इसे रसियाव बोला जाता है, खीर नहीं बोला जाता, ये दूध में नहीं बनाया जाता है, ऐसे ही पानी में इसे बनाया जाता है। एकदम मतलब ये भोग के लिए ऐसे ही बनाया जाता है। देखिए इसे हम ढक के भी पकाएंगे जिससे कि बहुत ही जल्दी मतलब पक जाएंगे, कुक हो जाते हैं। और देखिए अभी हमारा रसियाव बनकर तैयार है और थोड़े टाइम में यह बन जाएगा, मतलब इसे हमें 5-7 मिनट तक और अच्छे से कुक कर लेना है। देख सकते हैं आप इसका कलर धीरे धीरे चेंज होना चालू है। देखिए बहुत ही अच्छा हमारा मतलब रसियाव बनकर तैयार है। और ये हमने जो चने के दाल को मतलब भुना था उसे मतलब हम भून रहे हैं। देखिए हमारा चना का दाल भी बहुत ही अच्छे तरीके से भुन गया है। इसे हमें तब तक भून लेना है जब तक मतलब ये थोड़ा ड्राई नहीं हो जाते, तब तक इसे हमें भुनना है। उधर हमारा रसियाव भी बनकर तैयार है और इधर हमने ये स्टफिंग को भी भून लिया है। अब हम स्टफिंग को ठंडा कर देंगे। अब इसे हम ऐसे यहाँ पे हमने फ्रेंड नॉर्मल गेहूँ काटा लिया है, उसमें हमने ये जो स्टफिंग को तैयार किया उसे फिल कर दिया है। इसे हम तवे पे थोड़ा सा सेक लेंगे। मैंने ये वाली फुल वीडियो भी अपने चैनल पर डाली, अब जाकर देख लेना, इसलिए मैंने थोड़े शॉर्ट में डाला है। अब यहाँ पे हमने सरसों का तेल लिया है। फ्रेंड्स ये स्पेशल भोग के लिए बन रहा है इसलिए इसको सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। ऐसे हम नॉर्मल डे में घी में या फिर रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं, बट ये भोग के लिए बना रहे हैं हम, इसे सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। देखिए आप इसे तवे पे थोड़ा सा सेक लेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे तो पूड़ियाँ ही बहुत ही अच्छी तरीके से फूलती हैं।
देखिए हम एक एक पूड़ियों को डालकर ऐसे सेकेंगे जिससे कि बहुत ही जल्दी मतलब फ्राई हो जाते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारी पूड़ियाँ बनकर तैयार है, यहाँ पे हमारा रसियाव भी बनकर तैयार हो गया और ये हमने जो हलवा बनाया था मीठे में वो भी तैयार है और रसिया और ये पूड़ियाँ। अब चलिए हम भोग के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम भोग के लिए निकाल लिया है ये पूड़ियाँ ये रसियाव और हमने 2 कटोरी में हलवा निकाला हुआ है। फ्रेंड्स बताना आपको आज का वीडियो कैसे लगा। और ये हमारी साइड इस साइड से ऐसे ही पूजा भोग का मतलब ऐसे ही पूजा अष्टमी पूजा किया जाता है। और देखिए हम ऐसे पूड़ियों पर थोड़ा सा रसियाव को रख के इसे मतलब पूजा इस टाइप से मतलब कुछ पूजा करते हैं ऐसे ही। फ्रेंड्स मैंने अपने इस चैनल पर पहली बार ब्लॉग वीडियो डाला हुआ है तो आप ज़रूर से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें जिससे कि मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि मैं कुछ भी मतलब स्पेशल डे रहेगा तो मैं इसका ब्लॉग वीडियो लेके आऊँगी। जिससे कि मतलब आपको भी पूरा मतलब आपको भी मतलब जान सकते हैं कैसे मतलब किस टाइप से पूजा वगैरह कैसे होता है। देखिए हमारे साइड कुछ इस तरीके से अष्टमी पूजा किया जाता है। आप लोग फ्रेंड्स कमेंट्स में बता सकते हैं आप कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स ये रोटियों मतलब ये जो पूड़ियाँ बने उसमें भी सिंदूर लगा कर ऐसे ही मतलब भोग के लिए ऐसे ही मतलब भोग लगाया जाता है। ये हमारे साइड ऐसे ही ये पूजा किया जाता है अष्टमी पूजा।